So a very good evening to all of you guys. Welcome back once again to the series of government schemes. In today's session, guys, we are going to discuss two very important schemes of the Ministry of Rural Development. One is the Sansad Adarsh Gram Yojana, and number two is the Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission. These two schemes, guys, are very important if you talk about the Ministry of Rural Development. And इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन फ्रॉम दीज टू पर्टिकुलर स्कीम. एंड आई होप योर प्रिपरेशन आर गोइंग वेल. गवर्नमेंट स्कीम की जिम्मेदारी मेरी है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दैट आई विल कवर बिफोर द एग्जामिनेशन. यू जस्ट हैव टू कवर दीज सेशंस, एंड जो भी PDF आपको मिलेगी उसके थ्रू आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइज. बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन, एंड द PDF आफ्टर द सेशन यू विल गेट इन दिस टेलीग्राम चैनल ओनली. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट स्कीम विच इज द सांसद आदर्श ग्राम योजना, एंड देन आफ्टर दिस वी विल मूव अहेड टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू दोस थिंग्स दैट यू कैन डू एफर्टलेसली. बहुत ही ईजी स्कीम्स है दोनों की दोनों. इसमें कुछ उंगलियों पे गिनने वाली चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है. देर आर वेरी फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम. सो सांसद आदर्श ग्राम योजना, सो नाम से ही इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है. वॉट इज द नेम ऑफ द स्कीम? सांसद आदर्श ग्राम. ऑलराइट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सांसद गाइस? सो इट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सांसद? इट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदर्श ग्राम? आदर्श मींस आइडियल, एंड ग्राम मींस वी ऑल नो इज विलेज. सो आदर्श ग्राम का मतलब क्या हुआ? आइडियल विलेज. एंड सांसद का मतलब हम सब जानते हैं, माननीय सांसद जी, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, तो अब इसका ऑब्जेक्टिव अगर आप सभी पूछे तो क्या बोलोगे? एक बात आदर्श ग्राम यानी आइडियल विलेज से एक बात तो क्लियर हो जाती है. वन थिंग इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस वर्ड आइडियल विलेज दैट द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग सम विलेजेस इन द आइडियल फॉर्म, विच मीन्स द आइडियल विलेजेस आर बींग डेवलप्ड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. ठीक है, तो फिर इसमें सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या रोल है? सो द बेसिक आइडिया ऑफ दिस स्कीम गाइज इज दैट वन ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग फिजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 3 विलेजेस बाय द ईयर 2019. अब मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी, क्या क्या बोल दिया दोबारा से सुन लो. ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट will take the responsibility of developing physical and institutional infrastructure of 3 villages. कितने villages? 3 villages. कब तक? By 2019. So which means that this scheme is completed now? No. इसके आगे एक line और है. 3 villages by the year 2019. Each member of parliament will develop the physical and institutional infrastructure in these 3 villages. And after 2019, what will happen is that one village per year will be developed as the ideal village till 2024, which means 5 villages till the year 2024 after 2019. Ek village ek saal mein 2024 tak develop kiya jayega as the ideal village, Adarsh Gram, by each member of parliament, yani 5 saal mein 5. And before 2019, or you can say till 2019, each member of parliament have to develop three villages as the ideal villages by the year 2019. All right, so I hope guys this objective is clear. So what you have to understand here is that each member of parliament is developing a village as an ideal village. That's it. इतना याद रखना है. 2019 तक 3 village करने थे, और उसके बाद एक-एक village 5 साल तक, यानी 2024 तक. Alright, so this is, guys, the objective of this particular scheme. Ministry is very clear, since we are talking about the ideal villages, development of ideal villages, which means the ministry should be the Ministry of Rural Development, headed by Mr. Giriraj Singh. आगे बढ़ते हैं, holistic development through SAGY. Now, ideal village. अब ideal village एक वो village होगा जहाँ पे all the facilities are available. यानी development in all the spheres of life should be there, तभी तो वो ideal कहलाएगा. Development in all the spheres मतलब personal development मतलब कि personal values, cleanliness, cultural heritage, behavioral change, all such kind of development. Then there is a need of human development also.
और ह्यूमन डेवलपमेंट में वी कैन इंक्लूड हेल्थ, वी कैन इंक्लूड एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी. नंबर टू ह्यूमन डेवलपमेंट. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, ओनली देन दैट विलेज कैन बी कॉल्ड एज एन आइडियल विलेज. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लाइवलीहुड डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेसिक अमेनिटीज और सर्विसेज, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉमन सर्विसेज सेंटर, ठीक है, पैन कार्ड बनाने की फैसिलिटी वगैरह, जो भी चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी इन दैट आइडियल विलेज. देन ऑफकोर्स सोशल डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. बिना सोशल डेवलपमेंट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लो या पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर लो, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है. सोशल डेवलपमेंट अगर नहीं है एंड यू आर डेवलपिंग एन इकोनॉमी, यू आर डेवलपिंग द पॉलिटिकल स्फेयर, देन इट इज ऑफ नो यूज. सो सोशल डेवलपमेंट में वॉलंटियरिज्म, सोशल वैल्यू, सोशल जस्टिस, गुड गवर्नेंस, ये सारी चीजें कवर की जाती हैं. एंड ऑफकोर्स दीज थिंग्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर, दिस इज जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वॉट इज द मीनिंग ऑफ एन आइडियल विलेज. आइडियल विलेज वो विलेज है जहाँ पे लाइफ के हर स्फेयर की डेवलपमेंट की जा रही है, चाहे वो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है, ह्यूमन है, पर्सनल है. एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट लेफ्ट इन एन आइडियल विलेज. ऑलराइट, मूविंग अहेड टू अदर थिंग्स, दैट इज द फंडिंग. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है. अब आपको ये लग रहा होगा दैट आइडियल विलेजेस हैव टू बी डेवलप, सो फंडिंग इज रिक्वायर्ड. डेफिनेटली द फंडिंग इज रिक्वायर्ड. सो हाउ मच फंडिंग एंड फ्रॉम वेयर दिस फंडिंग विल कम. सो रिमेंबर देर इज नो न्यू फंड, कोई इसके लिए अलग से फंड नहीं बनाया है. दे आर डेवलपिंग आइडियल विलेजेस थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स, जैसे इंदिरा आवास योजना. सी ह्यूमन डेवलपमेंट में या पर्सनल डेवलपमेंट में हाउसिंग आ जाएगा या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आ जाएगा वो, तो हाउसिंग दे आर प्रोवाइडिंग थ्रू इंदिरा आवास योजना, ठीक है. रोड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, रोड्स. सो दे आर डेवलपिंग रोड्स थ्रू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विच मीन्स देर इज नो न्यू फंड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, कोई नया फंड नहीं है. द फंड्स आर बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम, और यू कैन से द फंडिंग इज बीइंग डन फ्रॉम द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू, ठीक है. पहली चीज तो ये हो गई, फंड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीम. देन सम फंड्स आर गैदर्ड फ्रॉम द एमपी लैड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो चली थी, एमपी लैड्स, ठीक है. सम फंड्स आर कलेक्टेड थ्रू द ग्राम पंचायत ओन रेवेन्यू, कुछ जो फंड है वो ग्राम पंचायत के रेवेन्यू से आएगा, कुछ CSR फंड से आ जाएगा और कुछ सेंट्रल और स्टेट फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स के थ्रू आएगा, विच मीन्स देर इज नो सेपरेट फंड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है. और यहाँ पे ऐसा कुछ रेशियो वाला भी चीज नहीं है, बिकॉज दीज आर, यहाँ पे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से आ जाएगा, यहाँ स्टेट से आ जाएगा, दीज आर थ्रू द CSR फंड्स, यहाँ पे ग्राम पंचायत का ओन रेवेन्यू, यहाँ पे एमपी लैड, और यहाँ पे थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम. सो यहाँ पे कोई रेशियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और कोई सेपरेट फंडिंग भी इसके लिए नहीं होती. ऑलराइट, मूविंग अहेड टू द थिंग्स गाइस दैट यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर 2014 एंड अप टू 2019 ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज टू डेवलप 3 विलेजेस एज द आइडियल विलेजेस, ये हमने पढ़ लिया. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ आदर्श ग्राम, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आइडियल विलेज, मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग अ विलेज टू डेवलप इट एज एन आइडियल विलेज, ठीक है. तो नंबर वन इज दैट द ग्राम पंचायत वुड बी द बेसिक यूनिट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, अ ग्राम पंचायत वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ और यू कैन ऑफ सिलेक्टिंग एन आइडियल विलेज. इट शुड हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 3,000 to 5,000 इन प्लेन एरियाज. प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन उसकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 3,000 to maximum 5,000, वाइल इन हिली एरियाज इट शुड बी 1,000 to 3,000, एंड नॉट इन ओनली इन हिली एरियाज, ऑल्सो इन द ट्राइबल एरियाज और द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज और यू नो हार्ड टू रीच प्लेसेज जितने भी हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी, 1,000 to 3,000. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस स्कीम इज दैट एन MP कैन नॉट सिलेक्ट हिज और हर ओन विलेज फॉर डेवलपिंग एज एन आइडियल विलेज, अपने ही गाँव को वो डेवलप नहीं कर सकता, ठीक है. वो अपने स्पाउस के गाँव को ले सकता है या फिर देश का कोई भी गाँव ले सकता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बेसिकली कोई भी गाँव ले सकता है वो. ऑलराइट, सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग विलेज फॉर डेवलपिंग इट एज एन आइडियल विलेज. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस वॉज अबाउट दिस स्कीम गाइस, इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है. एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव सांसद आदर्श ग्राम योजना, मतलब ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग फिजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 3 विलेजेस बाय द ईयर 2019. And after 2019, one village will be developed per year till the year 2024. It is being
implemented by the Ministry of Rural Development and Panchayati Raj, headed by Giriraj Singh. Holistic development is envisaged under this particular scheme, in which there is economic development, there is social development, there is human development, personal development. Every kind of development is considered in under this particular scheme. No separate fund is being provided for the development of villages as the ideal villages. The funds are attracted from the convergence of various central or the state government schemes. Also, other areas also from which the funds are attracted, like CSR funds, Gram Panchayat Zone Revenue, Central and State Finance Commission, and MP LAD, Member of Parliament Local Area Development Scheme. The scheme was launched in the year 2014, and an ideal village will be that which have a population of 3000 to 5000 in plain areas and 1000 to 3000 in hilly, tribal or hard to reach places. And an MP cannot select his or her own village for developing as an ideal village. However, he or she can select his or her spouse village for developing it, or any village in his or her constituency. Now let's talk about the Shyama Prasad Mukherjee Rural Mission. Ab Shyama Prasad Mukherjee Rural Mission ki baat kar lete hain. So, सबसे पहले तो देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो एक नाम है, हम सब जानते हैं हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी. सो द ओनली कीवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम इज रर्बन. एंड मिशन का मतलब तो स्कीम, मिशन, प्रोग्राम, ठीक है. ओनली कीवर्ड इज रर्बन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रर्बन? दोज रूरल प्लेसेस विच विल बी डेवलप्ड एज द अर्बन एरियाज, विच मीन्स द फैसिलिटीज इन दोज रूरल प्लेसेस विल बी प्रोवाइडेड, दोज फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल इन द अर्बन एरियाज ऑल्सो. ठीक है, मतलब दैट रर्बन मीन्स द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग रर्बन क्लस्टर्स अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रर्बन क्लस्टर्स? रर्बन क्लस्टर्स का मतलब होता है जियोग्राफिकली एडजेसेंट विलेजेस विच हैव पॉपुलेशन ऑफ 25,000 टू 50,000. अब यहां कंफ्यूज मत होना, सांसद आदर्श में और रर्बन में, वहां पे 3000 से 5000 है, यहाँ पे 25 to 50,000 इन प्लेन एंड कोस्टल एरियाज में कितना है? 25,000 to 50,000. वेल, इफ इट वुड बी अ हिली एरिया और यू नो एनी हार्ड टू रीच प्लेसेस और ट्राइबल एरिया, देन दिस पॉपुलेशन क्राइटेरिया इज हाउ मच? 5,000 to 50,000. ऑलराइट, so what is the meaning of rural cluster? These are the geographically adjacent villages with a population of 25,000 to 50,000 in a plain or a coastal area, while 5,000 to 15,000 in hilly areas, tribal areas or difficult areas. All right, now ab rural cluster ka matlab to samajh mein aa gaya. So what is the objective of this scheme? To develop these rural cluster, to provide economic development in these urban clusters, to provide basic services in these urban clusters, to provide employment opportunities in these urban clusters, to provide skill development to the population of these urban clusters. So basically, they are talking about developing the urban clusters, and urban clusters are the geographically adjacent villages with a certain condition of population. Okay, so I hope the objective is clear. Ministry again is, guys, is Ministry of Rural Development headed by Giriraj Singh. Now these are the components of the scheme, which means all these things will be provided in the urban cluster. Or urban word ka matlab jo yahan pe ye hai, rural urban, which means those rural areas where facilities like urban areas will be provided. So kya kya cheeze honge? Skill development training, agro processing, agri service, storage and warehousing, fully equipped mobile health unit, upgrading school or higher education facilities, sanitation, provision of piped water supply, solid and liquid waste management. Of course, these things, guys, you do not have to remember. Itni cheeze yaad mat rakhna. Agar yaad, matlab koshish bhi karoge to bhul jaoge. Agar tumme se koi fir wo jo 3 idiots mein tha, agar wo itni tarike se koi ratta maar sakta hai, to fir koi baat nahi, tab to sab kuch rat lo, koi dikkat nahi. Uske alawa village streets and drains, street light, inter-village road connectivity, public transport, LPG gas connection, digital literacy and common service center. So basically all the facilities which you are getting sitting in an urban area, those will be provided to the people who are in the rural areas. And basically ye ek gaon ya do gaon ka nahi hoga, bahut sare adjacent villages honge, unko mila ke ek cluster mana jayega, and us pure cluster mein ye sari developments ki jayenge. All right, so this is the
basic objective, and these were the things, these were the components of the scheme which will be provided, which will be developed in these urban cluster. Now there is an integrated cluster action plan. इस पे एक बार क्वेश्चन आया था पेपर में, ऑल्दो बहुत ही बकवास क्वेश्चन था वो, कि who prepares the integrated cluster action plans under this particular scheme. So it is the duty of the respective state governments, जहां पे भी वो cluster है, where that particular cluster lies, it is the duty of that respective state government to develop an integrated cluster action plan. Integrated cluster action plan बनाया जाएगा state governments द्वारा, और basically ये इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान में क्या होगा, जितनी भी स्कीम्स की डिटेल है, क्या क्या उसमें प्रोजेक्ट्स होंगे, किस किस तरीकों से पैसा आएगा, ये सारी डिटेल्स होंगी. ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द स्कीम, रिगार्डिंग द फंडिंग, फ्रॉम वेयर द मनी विल कम, रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स जो भी सैंक्शन होंगे अंडर दिस, ऑल दीज डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड इन दीज इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान, एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द टेंटेटिव कॉस्ट जो भी होगी जो उसमें लगेगी. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात कर लो, एट द नेशनल लेवल देयर इज अ नेशनल मिशन डायरेक्टरेट व्हिच इज हेडेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी, जो कि कौन है, हेड कौन है इसका, जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट. एट द स्टेट लेवल वी हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एनी एजेंसी सिलेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कहां पे बनेगा, कलेक्टर के ऑफिस में बनेगा. कलेक्टर बन जाओ तो देखो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजा आ जाता है कलेक्टर बन के, एक बार बन जाओ फिर देखो तुम्हारी ऐश अलग हो जाएगी, ऐश तो नहीं होगी, शक्ति आ जाने से जिम्मेदारी आ जाती है. वी ऑल नो दिस, आप सबने स्पाइडरमैन तो देखी होगी, बट यस एक रिस्पॉन्सिबल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है और अगर इंसान है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को टैकल करने वाला, तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा लगता है. क्लस्टर लेवल, क्लस्टर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है, और क्लस्टर लेवल पे क्या होगा, एक क्लस्टर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट यूनिट होगा. ये है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस नेवर कम इन एग्जाम. मूविंग अहेड टू द एम्पावर्ड कमिटीज, एम्पावर्ड कमिटी से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, सो इसलिए मैंने इसको थिंग्स टू रिमेंबर में डाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट द स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर 2016, 2016 में लॉन्च हुई थी, एंड देर आर certain empowered committees which are looking after this particular scheme. At the national level we have an empowered committee headed by the secretary under the Ministry of Rural Development, theek hai, and it approves the ICAFs and critical gap funding submitted by the states. Critical gap funding kya hota hai abhi padhenge aage, don't worry, jab funding mein jayenge is scheme mein paisa kahan se aa raha hai, fir urban cluster banane ke liye paisa to chahiye ki nahi chahiye, bina paise ke thodi ban jayega. To ये जो नेशनल लेवल पे एम्पावर्ड कमेटी है दैट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी, इनका काम क्या है, इनका काम है टू अप्रूव द आईकैप्स एंड द क्रिटिकल गैप फंडिंग प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एट द स्टेट लेवल आल्सो वी हैव अ स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीफ सेक्रेटरी जनरली कई जगहों पर हमने नहीं सुना है, सो हूएवर बी द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ही और शी विल बी द हेड ऑफ दिस state level empowered committee under this scheme, and it recommends or approves the ICAFs before submitting the ICAF to the national mission directorate. jo national mission directorate hai, dekho pehle kya hota hai, yahan pe jata hai state level, kya karega, ICAF banayega, uske baad ho jayega mission directorate ke paas, aur fir then empowered committee usko approve karti hai, theek hai. so ye hai kuch empowered committees ke bare mein. ab baat kar lo funding ki, ab dekho isme bhi same, there is no separate fund, okay, there is no separate fund, no budgetary allocation, nothing in this, this project, this scheme, all the projects jo bhi iske andar honge, all the projects will be funded through the convergence of various central sector scheme, centrally sponsored scheme or the state government schemes or any other scheme which are under implementation, theek hai. to isme bhi vahi hai, the project is being funded through convergence of various centrally sponsored central sector and state government scheme. राइट, नथिंग डिफिकल्ट. बस एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और वो ये कि इफ देर हैज बीन एनी गैप, इफ देर इज एनी गैप बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड द डिजायर्ड फंड्स. अवेलेबिलिटी मतलब मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर स्कीम है, जैसे लेटस से उस अर्बन क्लस्टर में रोड बनानी है, ठीक है, लेटस से रोड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ पर्टिकुलर अर्बन क्लस्टर, सो the funding will be done through Pradhanmantri Gram Sadak Yojana, of course, because it is a urban cluster, the funding will be done through what, the Pradhanmantri Gram Sadak Yojana. All right,
The total cost that will be required to construct this road will be, let us say, 1,000 crore. 1,000 crore, ठीक है. But through the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना only only 700 crores, only 700 crores is available, ठीक है. 700 करोड़ अवेलेबल है. All right. Now what will happen to this 300 crores? अब ये 300 करोड़ कहाँ से आएंगे? From where they will get this 300 crore? So this 300 crores will be provided through the critical gap funding by the state central government. Critical gap funding is through, and this critical gap funding, the funding through this critical gap funding has a condition also. Number one, 30% of the project cost or rupees 30 crore whichever is less. 30% of the project cost और रुपीज 30 करोड़ विच एवर इज लेस. अब तुम ये सोचोगे, अच्छा 30%, अगर मैं इसको इसकी प्रोजेक्ट की बात करूं, जो हमने एग्जांपल लिया 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 30% कितना होगा? 30% होगा 300 करोड़. लेकिन और रुपीज 30 करोड़ विच एवर इज लेस, तो 300 करोड़ और 30 करोड़ में कौन सा लेस है? ऑफकोर्स 30 करोड़. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 30 करोड़. तो फ्रॉम वेयर दे विल गेट द रेस्ट 270 करोड़, देन तब क्या होगा? तो फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स होंगी, उसके थ्रू आएगा, या कोई और दूसरी स्कीम होगी उसके थ्रू आएगा. सो बेसिकली अरेंजमेंट हो जाएगा, बट ये जो क्रिटिकल गैप फंडिंग है उसके थ्रू या तो 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और रुपीज 30 करोड़ विच एवर लेस विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है. बट इफ इट इज अ डेजर्ट हिली और ट्राइबल एरियाज, द सीजीएफ इज कैप्ड एट 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और रुपीज 15 करोड़. इन द नॉर्मल प्लेन एरियाज इट इज 30% और रुपीज 30 करोड़. यहाँ पे डेजर्ट और हिली एरियाज में 30% और रुपीज 15 करोड. एंड देर इज अ प्रोविजन ऑफ इनोवेशन बजट ऑल्सो, विच इज 5% ऑफ सीजीएफ हैज बीन प्रोवाइडेड टू इनोवेशन बजट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दोज अर्बन क्लस्टर. So I hope guys this particular scheme is also clear, and now let's move ahead to the questions that can be asked in your exams. Consider the following statements regarding Sansad Adarsh Gram Yojana and you have to identify the correct statements. All right. Okay, so it was launched in 2014. Yes, this is absolutely correct. The village should have a population of 5000 to 10000 to be eligible. No. If it is a plain area, the population should be between 3000 to 5000. If it is a desert, if it is a you know क्या बोलते हैं, hilly areas, okay, और the hard to reach places, तो उसको हम, तो वहां पे population कितना होगा? 1000 to 3000. The PM can develop his or her own village? No. PM नहीं, MP, sorry. हर जगह PM ही PM सुनाई देता ना, तो इसलिए मुंह पे PM चढ़ चुका. The MP can develop his or her own village as Adarsh Gram? No. The scheme is entirely funded through MP Lads? No. This is also incorrect, because there are various sources of funds in this particular scheme. So only one statement is correct. Option B, only one would be the correct answer. Question number 2. Consider the following statements regarding critical gap funding of Shyama Prasad Mukherjee Urban Mission and you have to identify the correct statement. So this question is regarding only the critical gap funding of Shyama Prasad Mukherjee Urban Mission. Let's read out the statements. Critical gap funding is provided to fulfill the gaps between the availability of funds from schemes and funds required. Yes, this is absolutely correct. Critical gap funding ka matlab hi yahi hai. CGF is capped at 40%, to hai hi kahin nahi, 30% hi hai, correct, incorrect ho gaya. CGF is capped at 30% of project cost or rupees 15 crore whichever is less in desert. Yes. So first and third are correct, which means option C, only 1 and 3 will be the correct answer. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. हाउ मेनी अर्बन क्लस्टर्स आर टारगेटेड टू बी डेवलप्ड अंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन इन 5 इयर्स? आई थिंक ये मैंने आपको नहीं बताया, सो रिमेंबर 300 अर्बन क्लस्टर्स आर टारगेटेड टू बी डेवलप इन दिस पर्टिकुलर स्कीम इन द 5 इयर्स, विच मीन्स बाई द एंड ऑफ 2021 के अंत तक 300 अर्बन क्लस्टर बनाए जाएंगे. एंड द करेक्ट आंसर देयरफॉर गाइस इज ऑप्शन डी, 300. ऑलराइट. And guys, that's it for the session. I hope both the schemes are clear and also the questions are clear. Ab Monday to Friday jitni bhi scheme humne padhi hain, you have to revise all the schemes. And jo bhi agar aapne notes banaye hain, to usko revise kar lo. Aur is session ka PDF aapko session ke baad 7 baje aapko mil jayega Telegram channel pe. And okay, milte hain Monday ko ek nayi scheme ke saath. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.